ज्यादा कहे काना तन इनियो इनियन रे सरप तो एकनी बगदी के लड़ो हरम ज्यादा कहे का इज्जत के सवाल नहीं छे क्या इज्जत का सवाल है लोग देखथियो के थियो कइनो भड़वा छे मोगी पट के दिल के तवन तोरा ऊपर कर लियो हरम कर महारानी हाँ स्वामी जी मैं वादा करता हूँ कि तुम जंगल जाने के लिए मुझे खुशी से जाने दो महारानी जी हाँ कहावत में कहते हैं तुलसीदास का भाई कलसीदास अच्छा क्या कहा है उंगली में पिन्हने वाले अंगूठी को नगीना कहते हैं ये उंगली में पिन्हने वाले अंगूठी को नगीना कहते हैं जो ये चढ़ती जवानी छोड़ के जाए उसे कमीना कहते हैं हरम ज्यादा कहीं का महारानी हाँ स्वामी जी मैं जंगल जाऊंगा शिकार करने के लिए लेकिन मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ जब मैं जंगल से शिकार खेल कर वापस आऊंगा मैं खुशी से तुम्हारे कब्र में अवश्य जाऊंगा महारानी दो चार दिन के लिए तुम जंगल जाने के लिए खुशी से मुझे दो ठीक है स्वामी जी जल्दबाजी में वापस चले आएंगे हाँ महारानी मैं जल्द जंगल से वापस आने का प्रयास करेंगे तुम जाओ भवन और खुशी से मेरा इंतजार करना मैं जल्द लौटने का प्रयास करेंगे महारानी हम जैसा कहीं इसी वक्त जंगल का यात्रा करता हूं जब तक मैं जंगल में शिकार खेल Oh.
यह मैं क्या देख रहा हूँ, यह उत्तर और उत्तर दिशा से औंधे और तूफान बहुत जोर शोर से आ रहा है। अब मैं इस जंगल में कहाँ जाकर छिपकर मैं अपने जीवन को रक्षा करूं? शायद लगता है भगवान मेरा इस जंगल में प्राण नहीं बचेगा। भगवान मेरे जीवन को रक्षा करना पड़ेगा। हे भगवान, ये पानी पानी कौन सी ला रहे हैं? पौन है? कौन है? हे ईश्वर बचाओ। अरे हे भगवान, ये तो मेरे पति हैं। ये जंगल में क्या करने के लिए आए थे? जब तक मैं महल में रहती थी स्वामी जी को कहीं नहीं जाने देते थे। आज मैं जिस से माल से निकली स्वामी जी का क्या दशा हो गया है? सबसे पहले मैं अपने पति को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वामी जी। हे ईश्वर, अगर मैं इसे पानी नहीं पिलाते तो ये मर जाएंगे। अगर ये मर गया तो मेरी माँ का सिंदूर धुला जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए और मैं अपने स्वामी जी को जीवन बचाएगी। हम जा चलिए के मैया के पीने के बाद अगर होश में आएंगे, अगर मुझे पहचान लेंगे कि ये मेरी बड़ी महारानी है, ये मुझे छोड़कर के अपना महल नहीं जाएंगे, सब दिन मेरे साथ में जंगल में बिता देंगे, लेकिन ये महल नहीं जाएंगे। नहीं, पानी पिला करके छुप जाऊंगी। छुपने के बाद अगर ये मुझे आवाज लगाएंगे, अगर मैं इसके सामने में आएंगे तो मैं अपना मुखारविंद पर कपड़ा ढक करके आएंगे ताकि ये मुझे पहचाने नहीं, ये मेरी महारानी है। हे ईश्वर, आज मैं अपने स्वामी जी को पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं। मेरे पति का रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। आ गया जो दीना पिला भी यही है मैया है प्रभु।
किसने पानी पिलाकर मेरे जीवन को दोबारा वापस किया है। मैं एक नजर उसे देखना चाहता हूं कि कौन हो, भूत हो या मनुष्य हो, जो भी पानी पिलाकर मेरे जीवन को दोबारा वापस किया है, मेरे नजर के सामने आओ, मैं एक नजर देखना चाहता हूं। हे परदेसी जी, मैंने आपको पानी पिलाया नहीं, मैं भूत हूं नहीं प्रेत हूं, मैं एक भिखारी हूं। तो पानी पिलाकर इस जंगल में तुमने मेरे जीवन को दोबारा वापस किया है। हाँ परदेसी जी, भिखारन लगता है ईश्वर ने मेरे जीवन को रक्षा करने के लिए पहले से तुमको इस जंगल में भेजा होगा, जो आज समय के साथ तुमने पानी पिलाकर मेरे जीवन को रक्षा किया है। अगर तुम समय के साथ पानी नहीं पिलाते तो शायद मेरा प्राण नहीं बचता भिखारन। हाँ परदेसी जी, देखिए परदेसी जी, अब शाम होने जा रहा है, अब अपना महल चले जाइए। भिखारन, सचमुच शाम हो रहा है, राह दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैं राह पकड़ कर इस जंगल से मैं अपना घर चला जाऊं, इसलिए मेरा इच्छा करता है कि रात मैं तुम्हारी झोपड़ी में बिता लेता हूं और सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊं। नहीं परदेसी जी, ये आप क्या कह रहे हैं परदेसी जी, एक तो मैं भिखार नहीं, कहीं से भीख मांग के लाते तो भोजन करते, अगर किसी दिन भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएंगे तो उस दिन हम भूखे सो जाते। आप जो कह रहे हैं परदेसी जी, एक रात इस झोपड़ी में रहने दो, अगर लोगों ने देखेंगे तो क्या कहेंगे भिखारन। हाँ परदेसी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं इस देखा देखी को खत्म कर देता हूँ। क्या? मैं सीधा शब्द में तुम्हें कह देना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इरादा हो इस प्रेम को जोड़ कर तुम अपनी झोपड़ी में समय बिता सकती हो, अगर तुम्हारी इरादा नहीं हो तो मैं इसी वक्त किसी भी परिस्थिति में मैं अपना घर चला जाऊंगा। अगर तुम्हारी इरादा हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे झोपड़ी में समय को बिता सकता हूँ। हे परदेसी जी, ये आपने कितना बड़ा बात कह दिया। ठीक है परदेसी जी, अगर आप इतना जिद इतना हट करते हैं तो चलिए आज रात भर आप मेरी झोपड़ी में रह जाइएगा। चलिए परदेसी जी, घर जाने के घर जाने का इजाजत दो मुझे। परदेसी जी, भिखारन सुबह हो गया है, अब घर जाने के लिए इजाजत दो मुझे। ठीक है परदेसी जी, लेकिन आपके पास में कुछ है तो मुझे दे करके जाइए परदेसी जी। लेकिन भिखारन, हाँ, मैं तो जंगल में शिकार करने के लिए आया था, मेरे पास कोई ऐसा संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। क्या एक भिखारने के लिए आपके पास में ऐसा कोई वस्तु नहीं है? कुछ नहीं है भिखारन, हाँ एक मंदिर का मेरे पास है। ठीक है, अगर आपके पास में वही एक मंदिर का है तो वही मुझे दे दीजिए परदेसी जी, और मैं वही मंदिर का लेकर के
भिखारन यह बहुत कीमती है। मेरी रानी सोनपुर मेला गई थी तो अपने पसंद से मेरे लिए यह अंगूठी खरीद कर लाया था। बहुत कीमती है, इसे रख लो और कोई तरह का विपत्ति आने का बाद तुम इसे भजा कर अपने विपत्ति को हल कर सकती हो। ठीक है परदेसी, अब मैं अपनी झोपड़ी जा रही हूँ। प्रणाम परदेसी जी। खुश रहो। लटपटी सिंह है, अरे लटपटी सिंह लटपट से जी महाराज। यह बताओ कहाँ रहते हो तुम? कहाँ गया था? ये कर मतलब नहीं समझ लो। नहीं मुतेल गिल रही है। लटपट से मैं जंगल से शिकार खेल कर वापस आया हूँ, लेकिन महारानी के साथ मैंने वचनबद्ध हुआ था क्या कि मैं जंगल से जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे कहबर में जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ रंग भवन और महारानी जी को भेज देंगे। बुलाओ आदर के साथ महारानी को दरबार में बुला कर लियो। ठीक है भी बुलाओ। I'm not afraid of the dark.
स्वामी जी मैं जंगल से शिकार खेल कर वापस आ गया हूँ महारानी। स्वामी जी महल में मैं बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रही थी। महारानी मैं तुम्हारे अनुसार वादा किया था कि जब मैं जंगल से आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कहवर में जाऊंगा। महारानी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कहवर में जाने के लिए खुशी से तैयार हूँ। महारानी ठीक है स्वामी जी चलने की तैयारी कीजिए विलम्ब मत कीजिए। चलो महारानी। ए चलो चलो रानी जी आहे अपना बाबा बहुत जोर से दर्द हो रही है। ऐसा लगता है कि आज दर्द से मेरी प्राण नहीं बचेंगे। हे ईश्वर अब मैं कहां जाऊं इस जंगल में किसी बुलाऊं कौन मेरी बात सुनेंगे। दर्द से मुझे सहा नहीं जा रहा है। हे ईश्वर अब मैं क्या करूं। हे परी जोरा हम उठ लई के